नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करता हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत टेक्नोमिथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं एलॉन मस्क के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसको सुन के आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। एलॉन मस्क ने ये प्लान बनाया है कि 2050 तक 1 मिलियन लोगों को मार्स में भेज देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले ये ट्वीट करके बताया था कि वे एक ऐसे रॉकेट्स बना रहे हैं जिससे कि वो 2050 तक यानी कि अगले 3 दशकों में 1 मिलियन लोगों को मार्स में भेज देंगे। अगर आप एलॉन मस्क को नहीं जानते तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये इस सदी के सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी आदमी हैं। इनकी ज़ुबान एक पत्थर की लकीर की तरह है, जो ये कहते हैं उसको वो करके दिखाते हैं। स्पेस एक्स, पेपाल, टेस्ला और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के ये फाउंडर रह चुके हैं, फाउंडर हैं और सीईओ भी रह चुके हैं। टेस्ला वो कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाई थी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली मोटर्स टेस्ला ने बनाई थी। साइबर ट्रक भी टेस्ला का ही एक मॉडल है जो कि पीछे जैसे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो बात करते हैं कि इनके मिशन के बारे में। इन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट करके बताया था कि 2050 तक 10 लाख लोगों को मार्स पर भेज देंगे, यानी कि 1 मिलियन लोगों को ये मार्स पर भेज के दिखाएंगे। एलॉन मस्क ने कहा था कि उनकी कंपनी स्पेस एक्स ऐसे रीयूजेबल स्पेस स्टारशिप्स बना रही हैं, स्टारशिप्स रॉकेट्स बना रही हैं, जो कि पिछले 10 सालों से कंपनी इन रॉकेट्स को बना रही है। 1,000 रॉकेट तकरीबन इनका एम है बनाने का। ये रॉकेट्स लगभग 100 टन का लोड उठाने के कैपेबल होंगे और 10 और तकरीबन 100 लोगों को एक साथ ऑर्बिट पर ले जा सकते हैं, यानी कि 100 टन लोग एक 100 टन लोड एक टाइम पे और उसके साथ 100 लोगों को भी एक साथ अपने अंदर रख सकते हैं रॉकेट। एलॉन मस्क लगभग 3 रॉकेट एक दिन में लॉन्च करने की सोच रखते हैं और 1,000 स्टारशिप्स एक साल में। तो 1,000 स्टारशिप अगर एक साल में लॉन्च होंगे तो कितने ज़्यादा लोग मार्स पर जा सकेंगे या ऑर्बिट पर जा सकेंगे। मस्क ये भी कहते हैं कि 2020 के ख़त्म होने से पहले ही ये स्टारशिप्स को लॉन्च कर देंगे और इनमें कुछ लोग भी भेजेंगे अगर हो सके तो। तो देखते हैं कि ये सच होता है नहीं सोच होता। आप ये जान के भी हैरान रह जाएंगे कि एक स्टारशिप है उसकी कॉस्ट लगभग 2 मिलियन US डॉलर के आसपास पड़ती है। तो 2 मिलियन एक रॉकेट पर खर्च करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बोलने की बातें हैं, एलॉन मस्क ऐसा कुछ नहीं करेंगे या फिर ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि एलॉन मस्क ऐसे इंसान है जिन्होंने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। तो आज का वीडियो तो बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्द ही जल्दी मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।